राहुल गांधी ने मोदी के ऊपर जमकर बरसे, कहा हमें चौकीदार नहीं बनना है, हमें सभी को चौकीदार बनाना है। मोदी जी कहते हैं कि 60 साल इस देश में कुछ नहीं हुआ, वो आपको कहते हैं, बुजुर्गों को कहते हैं, महिलाओं को कहते हैं, युवाओं को कहते हैं कि 60 साल के लिए तुम लोगों ने कुछ नहीं किया, तुम लोगों में कोई शक्ति नहीं है, तुम लोगों में कोई दम नहीं है, तुम लोगों ने हिंदुस्तान का टाइम जाया किया। अब मैं आया हूं, मैं अब देश को खड़ा करूंगा। गुजरात में कहते हैं, हिंदुस्तान को कहते हैं। देखिए, मैं आपकी इज्जत करता हूं, मैं आपके सामने अपना सिर झुकाता हूं, आपसे मैं ज्ञान लेता हूं, और मैं जानता हूं कि अगर इस देश को खड़ा किया है, अगर अमेरिका का राष्ट्रपति कहता है कि मैं सिर्फ दो देशों से डरता हूं, एक चीन और एक हिंदुस्तान, तो वो आपकी देन है। ये जो महिलाएं बैठी हैं आपकी देन है, ये जो युवा बैठा है आपका देन है, और खासतौर से जो बुजुर्ग हैं आपकी देन है। मैं हिंदुस्तान को समझता हूं, मैं हिंदुस्तान की शक्ति को समझता हूं, उसकी शक्ति को पहचानता हूं। मोदी जी हिंदुस्तान की शक्ति को नहीं समझते, वो सोचते हैं कि शक्ति उनमें है, ज्ञान उनमें है, जानकारी उनमें है। वो आपके पास आते हैं और आपको कहते हैं कि 60 साल के लिए आप लोगों ने कुछ नहीं किया। ये फर्क है हम में और उनमें, यहां आप में कोई कमी नहीं है। 60 साल आपने पसीना दिया है, आपने खून दिया है, किसान ने खून दिया है, मजदूर ने खून दिया है, छोटे बिजनेसमैन ने खून दिया है, पसीना दिया है, युवाओं ने खून पसीना दिया है। और अगर आज हिंदुस्तान में पैसा आया है, प्रगति हुई है, अगर अमेरिका का राष्ट्रपति कह सकता है कि मैं हिंदुस्तान से डरता हूं, तो सिर्फ आपकी देन है और किसी की देन नहीं। वो कहते हैं कि मुझे चौकीदार बनाओ, मुझे चौकीदार बनाओ और मैं हिंदुस्तान को बदल दूंगा। मैं भी चौकीदार बनाना चाहता हूं, मगर मैं चौकीदार नहीं बनना चाहता हूं, मुझे चौकीदारी की कोई जरूरत नहीं है। हिंदुस्तान को एक चौकीदार की जरूरत नहीं है, करोड़ों चौकीदार की जरूरत है। ये महिलाएं हैं, इनको मैं चौकीदार बनाना चाहता हूं, जो युवा है उनको चौकीदार बनाना चाहता हूं, जो बुजुर्ग है उनको चौकीदार बनाना चाहता हूं, ये प्रेस वाले जो है इनको चौकीदार बनाना चाहता हूं। एक चौकीदार की जरूरत नहीं है, करोड़ों चौकीदार की जरूरत है। इसलिए हमने भोजन का अधिकार दिया, इसलिए हमने रोजगार योजना दी, इसलिए हम स्वास्थ्य के अधिकार की बात कर रहे हैं, इसलिए हमने सूचना का अधिकार दिया। थोड़ा और बताता हूं आपको, मोदी जी भ्रष्टाचार की बात करते हैं और कहते हैं भैया मैं भ्रष्टाचार को मिटा दूंगा। पहले भ्रष्टाचार बंद कमरे में हुआ करता था, जैसे आज गुजरात में है। कांग्रेस पार्टी ने सूचना का अधिकार दिया, हमने करोड़ों चौकीदारों को सूचना का अधिकार दिया, और आपको कहा ये लो भैया सूचना का अधिकार, जो सवाल आपने पूछना है, जो सवाल पूछना चाहते हो प्रधानमंत्री से, चीफ मिनिस्टर से, एमपी से, एमएलए से, ब्यूरोक्रेट से, जिसी से भी पूछना चाहते हो भैया लो पूछो। और आपने शुरू किया पूछना, आपने पूछा और भ्रष्टाचार बाहर आया, आपने पकड़ा भ्रष्टाचार को, आपको शक्ति दी।